अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशाज किचन वर्ल्ड। आज हम रक्षाबंधन स्पेशल लेके आए हैं मैंगो फ्लेवर ब्रेड रसमलाई। बहुत ही अच्छी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने भाइयों को खिलाइएगा, अपने घर वालों को खिलाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी ये। तो आइए बनाना शुरू करते हैं और अपनी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 20 से 25 बादाम लिए हमने, 10 से 12 काजू लिए हैं, हाफ कप खोया लिया है और आधा लीटर दूध। काजू और बादाम को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है हमने। अब यहाँ पर सबसे पहले रबड़ी बनाने के लिए हम आधा लीटर दूध जो हमने लिया है उसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब इसमें बॉईल आना शुरू हो जाएगा तब तक हम इसे चलाएंगे जब तक इसमें बॉईल आ जाता है, ताकि हमारा दूध जो है वो नीचे लग ना जाए और ये अच्छे से कुक भी हो जाए। दूध में हमारे बॉईल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। शुगर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। हमने इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच शुगर ऐड की है और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए कुक कर लेंगे। 4 से 5 मिनट कुक करने के बाद हमने इसमें खोया ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से, जब तक कि ये अच्छे से इसमें दूध में मिक्स नहीं हो जाता तब तक हम कुक करेंगे। यहाँ केसर के धागे भी हमने इसमें ऐड किए हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें चाहे तो नहीं करें, फूड कलर भी डाल सकते हैं आप। अब इसमें हमने इलायची पाउडर ऐड किया है और इसे हम तब तक कुक करेंगे तब तक कि ये हमारी गाढ़ी रबड़ी की तरह नहीं बन जाती। तो आप देख सकते हैं केसर का कितना प्यारा कलर आ चुका है हमारे दूध में। अब इसे हम गाढ़ा होने तक कुक कर लेंगे, बस तब तक हमें इसे चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं दूध क्वांटिटी से बिल्कुल कम हो चुका है। तो अब इसमें हम बादाम और काजू ऐड कर देंगे और इसे कुक करेंगे तब तक कि ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। तो बिल्कुल रबड़ी हमारी तैयार है, अब इसे साइड पे कर देंगे। अब यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है और इसमें 1 लीटर दूध ऐड करेंगे और इसे भी तब तक ही चलाते रहेंगे जब तक इसमें बॉयल आना शुरू नहीं हो जाता। तो हमारे दूध में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें केसर के धागे ऐड कर देंगे, ये अच्छे फ्लेवर और कलर के लिए हैं। अब इसमें शुगर ऐड कर देंगे हम और इसे चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। यहाँ पर हमने इसी में से दूध ले लिया है और इसमें कस्टर्ड पाउडर मिला दिया है, 2 बड़े चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर था हमारा। कस्टर्ड डालने के बाद लगातार हम दूध को चलाते रहते हैं ताकि इसमें लम्स ना बने और अच्छे से कस्टर्ड मिक्स हो जाए। ये बहुत जल्दी थिक होना शुरू हो जाता है। तो कस्टर्ड हमारा बिल्कुल तैयार है, इसी कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए, रख के थोड़ा और गाढ़ा होता है ये। तो बस अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। यहाँ पर हमने ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरीके से कट कर लिया है एक कटर की मदद से, आप ग्लास से, कप से, किसी से भी कर सकते हैं। यह हमने थोड़ी सी मैंगो प्यूरी बनाई है और ये वो रबड़ी है, ये ज़्यादा ही लगाएंगे ताकि अच्छी लगे ये रबड़ी हमारी ब्रेड पे। आप दूसरी साइड पे इसके मैंगो प्यूरी लगाएंगे और इसे इस तरीके से ऊपर रखते जाएंगे। इसी तरीके से हम अपनी सारी बना के तैयार कर लिए हमने। ये वही दूध है जो मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने मैंगो प्यूरी ऐड की है। अब जिस भी बर्तन में आपको इसे सर्व करना है उसे साइड में रखते जाएंगे और एक एक करके अपनी ब्रेड को डिप करते जाएंगे इस मिक्सचर में और सर्विंग बाउल में रखते जाएंगे। जब हम इस मिक्सचर में इसे डिप करते हैं तो ये बहुत जूसी और सॉफ्ट बने रहते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है, इसलिए हमने इसमें डिप किया है इसे। एक एक करके ये सारे पीस इस तरीके से इसमें एडजस्ट करते जाएंगे। तो सारे पीस हमने एडजस्ट कर लिए हैं। अब जो हमने कस्टर्ड बनाया था वो हम इसके ऊपर पोर करेंगे। ये बहुत आसानी से कोई भी बना सकता है इसे, आप अपने घर में अपने भाई के लिए इसे बनाएं, अपने माँ बापों के लिए बनाएं, आप किसी को भी सर्व कर सकते हैं इसे, मेहमानों को खिला सकते हैं, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनेगी ये। तो एक बार इसे रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा तो आपको कैसी लगी। अब इसका फाइनल लुक दिखाते हैं, ये है हमारी ब्रेड मलाई का फाइनल लुक। ये कस्टर्ड भी ऐसे ही सादा खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी और अमेजिंग बनती है ये रेसिपी और कोई भी इसे बना सकता है। तो इस रक्षाबंधन इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नई नई वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।